ये हमारे पास में जो है एलजी का कंप्रेसर है 42 नंबर, MA42LPJG के नाम से, और 134 गैस इसमें चलती है। देखो लिखा हुआ 134 गैस। और अब इसमें ये वाली जो पॉइंट है इसमें बने में, ये टर्मिनल है, ये डायरेक्ट स्टार्ट कैसे होता है इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये कंप्रेसर इसमें ऐसे लगा हुआ होता है, देखो फ्रिज में, सभी फ्रिज में इसी तरह लगा हुआ होता है। तो आप जैसे इसमें ऐसे बैठोगे, जो पहले वाली पिन है इसमें, ये आपकी इसमें रनिंग हो गई, और बाद वाली इसमें स्टार्टिंग हो गई, और बीच वाली जो होती है इसमें कॉमन होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, बीच वाली कहीं भी किसी भी कंप्रेसर में लगी होगी तो कॉमन ही होगी। तो मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ, ये मैं इसमें कॉमन लगा लेता हूँ एक वायर। तो ये तो मैंने इसमें कॉमन लगा दी, और एक ही मैं इसमें रनिंग लगा देता हूँ, ये वाली, ये रनिंग होगी हमारी। आपको ये रनिंग लगाना बिल्कुल भी स्टार्टिंग वाली में, नहीं तो कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाएगा, चलेगा नहीं फिर बिल्कुल भी। ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको एम्पियर मीटर भी देखो लगा के दिखा देता हूँ, इसमें एम्पियर मीटर डाल लेते हैं। मैं इसको एम्पियर पर कर लेता हूँ, 20 एम्पियर पर, ये देखो। और मैं इसकी वायर लगा लेता हूँ कंप्रेसर की, ये देखो इसमें 3 एम्पियर के, 3.5 एम्पियर ले रहा है लगभग। तो मैं इसको जैसे स्टार्ट करूँगा वहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों आपस में शॉर्ट करनी पड़ेगी। ये यहाँ से देखो, जैसे हम रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 0.5 एम्पियर पे आ गया लगभग, यानी कि 0.67 एम्पियर ले रहा है लगभग ये। तो ये स्टार्ट हो चुका कंप्रेसर, आपको दिखा भी देता हूँ, आवाज़ आ रही है। और मैं जैसे प्रेशर भी रोकता हूँ, देखो प्रेशर भी आपको दिख जाएगा, ये देखो। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना इसमें, इसमें हमें क्या करना है, स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में जैसे शॉर्ट करेंगे तो कंप्रेसर एकदम स्टार्ट हो जाता है। रिले का भी काम यही होता है कि जैसे इसमें लाइट आती है तो रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट करती है, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ये एलजी का कंप्रेसर है, ये स्टार्ट कैसे होता है डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ अब आपको कुछ नहीं करना इसमें। देखो मैं कंप्रेसर बंद कर लेता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी गाइस, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, आपको कुछ लगाओ कि हाँ कुछ जानकारी मैंने अच्छी दी आपको, तो आप मुझे कमेंट कर देना और बताना जरूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हर तरीके की वीडियो बनाते हैं, हर कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, तो सभी पे वीडियो बनाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट तक वीडियो में रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।